फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू कैट स्टाइलर्स ऑटो कैड ट्यूटोरियल सीरीज। सो फ्रेंड्स, आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे स्क्रू ड्राइवर किस तरह से बनाते हैं। ओके, सो ये जो हमारे पास स्क्रू ड्राइवर आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं स्लॉटेड स्क्रू ड्राइवर। हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्क्रू ड्राइवर्स आते हैं, तो वो सभी हम बना के देखेंगे हर एक ट्यूटोरियल में। ओके, सो आज का जो हमारा स्क्रू ड्राइवर है वो है स्लॉटेड स्क्रू ड्राइवर। ओके, सो इसे आज हम बना के देखेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे आपके पास एक आई का बटन दे रखा होगा जब आपकी वीडियो चल रही होगी, तो आई को जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके पास। सो उन क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है आप उसका आंसर दे सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी, सो आप उनके आंसर दे सकते हैं। आप अपने फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, आप यहाँ पे भी अपने फीडबैक्स को शेयर कर सकते हैं। सो पूछे हुए क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी ड्राइंग्स किस तरह से है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इस तरह से हमारे पास इसकी ड्राइंग्स दे रखी है। सो ये है हमारा टॉप व्यू और ये हमारा सेक्शन व्यू और ये है आइसोमेट्रिक व्यूज। ओके, सो जो इसका बॉटम है उसका प्रोजेक्शन व्यू यहाँ दे रखा है और जो फ्रंट एंड है उसका प्रोजेक्शन व्यू यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो हमें स्टार्ट करना है यहाँ से। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ डायमेंशन दे रखी है, तो इनको बनाने के बाद इसे हम रिवॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास एक हैंडल बन जाएगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको हम असेंबल करेंगे। एक हमारे पास हैंडल बन जाएगा और एक हमारे पास स्लॉटेड रॉड बन जाएगी। तो ये दोनों चीजें बनाने के बाद इनको हम असेंबल करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें बनाना है हैंडल। तो हैंडल की हमारे पास क्या डायमेंशन दे रखी है, हाफ बनाएंगे और इसे रिवॉल्व कर देंगे। ओके, सो फर्स्ट हमारे पास आ रहा है 102 की लेंथ आ रही है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये लेंथ आ रही है, तो इसका डाया हमारे पास कितना दे रखा है, 25 mm का। ओके, सो ये मतलब कितना हो गया मेरे पास, अगर हाफ लेके चलूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 12.5 mm। ओके, और यहाँ पे जो रेडियस लगे हुए हैं उनका रेडियस कितना दे रखा है, यहाँ पे 1.5 mm, तो ये भी हो जाएगा। और इसके बाद 6.5 की लेंथ है मेरे पास। फिर हमारे पास एक रेडियस दे रखा है 10 mm का, जिसका डिस्टेंस हमारे पास एंड टू एंड दे रखा है 32 mm। ओके, सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 mm हो जाएगा, बिकॉज रेडियस मेरा कितना है 10 mm का, तो हाफ मेरा कितना जा रहा है 10 mm, सो 10 + 10 कितना हो जाएगा 20, सो 20 + 6.5 कितना हो जाएगा, 26.5 यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद ये कम्प्लीट हो जाएगा, देन हम यहाँ पे 6.5 का रेडियस लगा के इसे रिवॉल्व कर देंगे। तो इसे सबसे पहले हम बना के देखते हैं। सो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा एल एंटर 0.0 और हमारे पास 102.0 की एक लाइन आ जाएगी। और उसके बाद हमारे पास कितना दे रखे है, 25 का डाया दे रखे है आउटर, सो हम यहाँ पे @ 0.12.5 की लेंथ ले लेंगे। ओके, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा @ -6.5.0। ठीक है, ये लेंथ आ जाएगी हमारे पास। सो इसी के बाद हमारे पास यहाँ पे कितनी लेंथ हो जाएगी, 20 की लेंथ हो जाएगी अगेन। तो यहाँ पे अगेन मैं 20 की लेंथ ले लूंगा @-20.0, तो ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे मेरे पास। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आर्क ले लूंगा एक, स्टार्ट एंड और रेडियस, तो स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, एंड पॉइंट ये हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, और रेडियस कितना हो जाएगा 10 का, तो इस तरह से आपके पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है, बट मुझे ये क्या करना है, यहाँ पे मूव करना है, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास 32 का डिस्टेंस दे रखा है। सो इस आर्क को मैं मूव करूंगा, कितना यहाँ से यहाँ तक कितना है, 25 है टोटल। सो अगर मैं इसको हाफ लेके चलूँ तो कितना, 12.5, और 32 को हाफ लेके चलूँ तो 16। सो 16 में से अगर मैं 12.5 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3.5। सो 3.5 में से मुझे मूव करना पड़ेगा। सो इसे मैं मूव कर लेता हूँ, एम एंटर, सिलेक्ट द कर्व, सिलेक्ट द सेंटर पॉइंट, सिलेक्ट द मेक द ऑर्थो ऑन, और इसे हम 3.5 डायरेक्शन की तरफ मूव कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास ये चीज आ जाएगी। सो एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम कर देंगे और यहाँ से हम एक लाइन ले लेते हैं 0.0 और 0.12.5। ठीक है, सो ये पार्ट मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम फिलेट्स लगा लेते हैं। सो फिलेट्स हमारे पास कौन कौन सी है, 1.5 की यहाँ पे दे रखी है, 1, 2, 3, तीन फिलेट्स यहाँ दे रखी हैं और एक फिलेट दे रखी है 6.5 की यहाँ पे। सो हम ये चार फिलेट्स लगा लेते हैं, एफ एंटर, आर एंटर, 1.5 की फिलेट आ जाएगी, एम एंटर फॉर मल्टीपल टाइम्स, तो यहाँ पे भी फिलेट है, यहाँ पे भी फिलेट है और यहाँ पे भी फिलेट है। ठीक है,
और उसके बाद हमारे पास एफ एंटर और एंटर 6.5 की फिलेट यहाँ पे भी है, और जो मेरे पास एक्स्ट्रा स्केचेस आ रहे हैं उसे हम रिमूव कर लेंगे और इसे ज्वाइन करने के बाद रिवॉल्व कर लेंगे। बट उससे पहले मुझे अभी क्या बनाना है, देखिए ये जो मेरी रॉड है यहाँ पे असेंबल होगी तो इसके लिए भी मुझे स्पेस बनानी पड़ेगी, ठीक है। सो जो रॉड है मेरी उसका डाया कितना है 5 mm, तो हाफ बनाऊंगा 2.5 हो जाएगा, और यहाँ अंदर तक कितना इसका डिस्टेंस है 10 mm का। सो ये वाला जो डिस्टेंस है मैं अज्यूम कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना रखूंगा 2.5 रखूंगा, ठीक है। एक्स में 2.5 हो जाएगा और वाई में तो 2.5 रहेगा ही, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे कॉर्नर रखूंगा वही मैं रोड का भी कॉर्नर रखूंगा, ठीक है। सो मैं यहाँ से ये चीज भी बना लूंगा, तो ऑफसेट कर लूंगा सबसे पहले मैं 2.5 mm ये लाइन को, और उसके बाद अगेन ऑफसेट कर लूंगा 50 mm इस वाली लाइन को, देन यहां से मैं एट द रेट -2.5, -2.5, ये देखिए ये चीज आ जाएगी। एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर लीजिए और जो हमें नहीं चाहिए उसको ट्रिम कर लेते हैं, ओके। तो ये चीज हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इसे हम रिवॉल्व कर लेंगे, तो ज्वाइन कर लेंगे सबसे पहले हम इस तरह से। सो मेक श्योर कि आपका हर एक जो स्केच है वो ज्वाइन हो, ताकि आपका अगर ज्वाइन नहीं होगा तो ये क्या सरफेस में बन जाएगा, ठीक है। रिवॉल्व जरूर हो जाएगा बट आपका सरफेस में बन जाएगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। सो मेक श्योर कि आपका हर एक स्केच आपका ज्वाइन रहे। सो रिवॉल्व करेंगे यहाँ पे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। सो सेंटर एक्सिस पूछ रहे हैं 0.0, 10.0, तो इस तरह से आपका ये जो है हैंडल रिवॉल्व हो जाएगा। तो शेडेड व्यू में चेक कर लेते हैं, इस तरह से आपके पास ये चीज बन जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें और क्या बनाना है हमें। देखिए यहाँ पे कुछ कट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो ये कट किस तरह से, हमारे पास 6 mm का कट दे रखा है। सो ये जो मेरा 6 mm का रेडियस है ये कौन से सर्कल के साथ टच है, यहाँ पे दे रखा है आपको 22, तो इसके साथ टेंजेंट है ये मेरा, तो हम इसकी हेल्प से ये भी चीज बना लेंगे। हम क्या करेंगे, 2D वायर फ्रेम, और हम अपने ओरिजिन को मूव कर लेते हैं, बिकॉज मुझे फ्रंट पे बनाना है ये सारा कुछ, या फिर मैं एंड पे भी बॉटम पे भी बना सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं फ्रंट पे भी बना सकता हूँ, बॉटम में भी बना सकता हूँ, बिकॉज मुझे थ्रू ऑल करना है इसे। सो सिलेक्ट दिस फेस एंड मेक इट फिक्स टू द एक्स वाई प्लेन। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी एंटर, हमारे पास कितना आ जाएगा 0.0, और रेडियस हमारे पास कितना आ रहा है, डाय 22 है तो रेडियस हो जाएगा 11। सो 11 का हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा। हम इसे हिडन भी कर सकते हैं बिकॉज हमें अभी विजिबल नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे एक बारी चेक कर लेता हूँ इसकी डायमेंशंस, ताकि हम श्योर हो जाए कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो ये हमारा 11 mm का सर्कल है। तो एक सर्कल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 12.5, 0 पे एक सर्कल आ जाएगा हमारे पास कितने का, 6 mm का, ठीक है। सो इसे मुझे अब टेंजेंट करना पड़ेगा। सो मैं टेंजेंट करने के लिए पैरामेट्रिक में चला जाऊंगा और यहाँ से टेंजेंट अप्लाई कर दूंगा, जिसे हमें फिक्स रखना है वो पहले सिलेक्ट करेंगे और जिसे मूव करना है वो बाद में सिलेक्ट करेंगे, तो इस तरह से आपके पास ये टेंजेंट भी हो जाएगा। देन इसे हम एरे कर लेंगे, कितने ऑब्जेक्ट्स चाहिए हमें, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो हमें 6 ऑब्जेक्ट्स चाहिए, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर, सिलेक्ट द पॉलर एंड सिलेक्ट द सेंटर एक्सिस और बेस पॉइंट 0.0, और हमें यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स मिल गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हमें मिल गए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इसे क्लोज कर दीजिए और इसे हम अभी शेडेड व्यू में प्रेस पुल कर लेंगे। सो प्रेस पुल कर लेते हैं इसे, सिलेक्ट दिस वन, सभी को प्रेस पुल कर लीजिए, ओके। सो इसे अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट द मेन ऑब्जेक्ट, एंटर, सिलेक्ट द सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स। सो वन बाय वन सभी को सिलेक्ट करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इस तरह से आपका ये जो रॉड है ये कंप्लीट हो जाएगी, जो एक्स्ट्रा स्केचेस है उसे हम रिमूव भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये रॉड आपकी कंप्लीट हो चुकी है, इसमें हम मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ मटेरियल अप्लाई कर देते हैं, तो मेरा जो हैंडल है वो प्लास्टिक का होता है, तो यहाँ पे मैं मटेरियल प्लास्टिक सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो मैं कलर यहाँ पे ग्रीन ले लेता हूँ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो मैंने वही कलर यहाँ पे पिक कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये हैंडल बन चुका है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसकी हम रॉड बना लेते हैं। सो रॉड की डायमेंशन हमारे पास किस तरह की है, देखिए 50 तो यहाँ तक थी हमारे पास,
तो टोटल हमारे पास यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 73। सो टोटल हमारे पास कितनी होगी, 50 + 73 कितना आ जाएगा, 123। सो 123 माइनस अगर हम 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 91। ठीक है, बिकॉज मुझे ये अलग से बनाना है, ये रिवॉल्व नहीं होगा, इसे हम लॉफ्ट करेंगे और एक्सट्रूड कट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाएंगे, पहले यहां तक रोड बना लेते हैं। तो 73 माइनस 32 कितना आ जाएगा, 41, प्लस 50 कितना आ जाएगा, 91। सो 91 की रोड ले लेते हैं, और 5 mm का डाया तो 2.5 लेके हम इसे रिवॉल्व कर देंगे। तो एल एंटर 0,0 और 91,0 एंड एट द रेट 0,2.5 और 0,2.5, सी एंटर फॉर कंप्लीट और जेड एंटर, ए एंटर अप्लाई करेंगे तो इस तरह से हमारे पास ये स्केच हो जाएगा। बॉटम भी बना लेंगे इसका। सो एट द रेट कितना था, -2.5, -2.5। सो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा, सेंड कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा स्केच है हम उसे इरेज कर लेते हैं और इसे हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, रिवॉल्व कर लेते हैं। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, 0,0, 10,0। इस तरह से आपके पास ये रिवॉल्व हो जाएगा। देन अभी हम क्या करेंगे, अब ये चीज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लॉफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो लॉफ्ट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा और एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें ये चीज बनानी पड़ेगी। इनका डिस्टेंस भी दे रखा है, टोटल यहाँ पे 32 mm है और यहाँ पे हमारे पास कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 mm। इट मीन्स एक स्केच में इसके फेस पे बनाऊंगा और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 पे बनाऊंगा और उसके बाद 32 पे बनाऊंगा। ठीक है, सो इस तरह से हम बना लेते हैं। सो यहाँ से ओरिजिन मूव कर लेते हैं। सो कितना आ जाएगा ओरिजिन, 91,0,0। तो इस तरह से आपके पास ये ओरिजिन फेस पे आ जाएगा। इस प्लेन को सिलेक्ट कर लीजिए और इसे फिक्स कर दीजिए एक्सवाई प्लेन पे। देन सी एंटर, 0,0, 2.5 का आपके पास एक सर्कल आ जाएगा। देन रेक्टेंगल हम ले लेंगे यहाँ पे, -1.75,3.5 और 1.75,-3.5। तो इस तरह से आपके पास ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे हम आर्क ले लेंगे, तो इसके साथ ही हम यहाँ पे आर्क भी बना लेंगे। ये आर्क आ जाएगा हमारे पास, रेडियस कितना आ जाएगा, 13 का। ठीक है, सो इसे मिरर कर देंगे हम, आई एंटर, सिलेक्ट द आर्क और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0,0 और 0,10। तो कोऑर्डिनेट्स का ये बेनिफिट है कि आप पॉइंट्स लेके इजीली उसको बना सकते हो, आपको लाइंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही इजी मेथड हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, सो एक्सप्लोर करेंगे रेक्टेंगल को और जो एक्स्ट्रा हमारे पास स्केचेस हैं उसे हम इरेज कर लेंगे। देन ज्वाइन टू दैट स्केच, सो हमारे पास ये स्केच आ गया। देन हमारे पास एक और रेक्टेंगल आएगा अभी, -1.5,2 और 1.5,-2। ये रेक्टेंगल आ जाएगा, इसमें भी आर्क लगा लेंगे हम, सेम आर्क आ जाएगी। यहाँ से हम एंड पॉइंट चूज कर लेंगे और अगेन सेम यहाँ से भी हम एंड पॉइंट चूज कर लेंगे, तो रेडियस अगेन 13 का ही आ जाएगा। इस तरह से आपके पास ये कर्व आ जाएगी। एक्सप्लोर कर लीजिए स्केच को और इरेज कर दीजिए। ठीक है, और मिरर कर दीजिए इस कर्व को, 0,0, तो मिरर कर दीजिए इस स्केच को, एंटर, 0,0 और 0,10 इस तरह से, और इरेज कर दीजिए जो एक्स्ट्रा स्केचेस आ रहे हैं। ज्वाइन दैट कर्व, तो हमारे पास ये भी रेक्टेंगल हो गया। तो अब इसे हम साइड प्लेन से मूव कर लेंगे। मूव, सिलेक्ट द स्केच, एंटर, 0,0 से हमें मूव करना है। मेक श्योर कि आपका ऑर्थो जो है ऑन रहे। सो इस डायरेक्शन में हमें मूव करना है कितना, 32 mm। और अगेन ये वाला स्केच मूव करना है, एंटर, 0,0 से 20 mm, बिकॉज इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 12 mm का। तो यहाँ से 20 हो जाएगा और इसका 32 हो जाएगा। सो इसे हम लॉफ्ट कर लेंगे, LOFT, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जिनको आपने लॉफ्ट करना है और एंटर कर दीजिए, एंटर अगेन। सो इस तरह से आपके पास ये कर्व आ जाएगा। इसे शेडेड व्यू में चेक कर लेते हैं एक बारी। ये देखिए, ये आपके पास कर्व आ जाएगा इस तरह से। सो मुझे क्या करना है अभी,
जो ये साइड वाला कर्व है इसे फ्लैट करना है, ठीक है। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्केच बनाना पड़ेगा इसके ये वाले प्लेन से। तो मैं इसका ये वाला प्लेन उठा लेता हूँ, एक्स वाई प्लेन पे फिक्स कर लेंगे इसे 2D वायर फ्रेम, और लाइन लेंगे यहाँ से। हमें डिस्टेंस कितना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास स्लॉट जो है 2 mm का है, ठीक है। सो और ये वाला स्लॉट था 4 mm का, तो हमने 4 mm ही लिया था, ठीक है। तो ये हमारा 4 mm ही था, और ये वाली स्लॉट की जो विड्थ है हमारे पास कितनी है, 2 mm। सो इसे हम 2 mm बनाएंगे, तो सेंटर से हम 1 mm का डिस्टेंस लेके चलेंगे, और यहाँ से ऑर्थो ऑफ कर लेते हैं। सो यहाँ से आपने स्केच को जो है बिल्कुल क्लोज लेके चलना है यहाँ से, ताकि आपका जो कर्व है वो बिल्कुल सही कट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से उसके बाद ऑर्थो ऑन कर सकते हैं ताकि स्ट्रेट चला जाए, देन यहाँ पे आप एक्स्ट्रा लेके चल सकते हैं, और उसके बाद हम ये चीज एक्सटेंड कर देंगे, और एक्स्ट्रा जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उसको हम ट्रिम कर देंगे। तो इसे हम क्या करते हैं, अभी मूव कर लेते हैं, ठीक है। अभी बिल्कुल सही नहीं बना होगा क्योंकि ये ओके, तो ये स्केच अभी भी कंप्लीट नहीं है। हमें क्या करना है, ये जो स्केच है हमें सेंटर पे लेके आना है। सो इसे हम पिक करेंगे, और इसे हम यहाँ पे 2 mm मूव करवा लेंगे इस तरह से, और उसके बाद हमारे पास और कुछ नहीं करना है, बाकी को हम मूव कर लेते हैं। मूव सिलेक्ट द स्केचेस एंटर, और 0.0 से हम यहाँ पे इसको 20 mm बाहर की तरफ मूव करवा लेते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये चीज आ जाएगी। तो यहाँ से हम इसको ट्रिम कर लेते हैं पहले, तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्केचेस आ रहे हैं, ये देखिए ये चीज, ठीक है। तो इसे हम मूव कर लेते हैं अभी, सिलेक्ट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो अभी ये हमारा जो कर्व है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये ज्वाइन भी हो चुका है। इसे मूव कर लेते हैं अगेन, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, 0.0 से डायरेक्शन चेंज करके हम इसे 20 mm मूव करवा लेंगे, तो स्केच जो हमारा प्लेस हो जाएगा यहाँ पे। सो अब हम इसमें कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे टॉप लेन से चेक कर लेता हूँ मेरा स्केच जो है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो नहीं आ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा इस स्केच को यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो ये मेरा स्केच जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो इसे प्रेस पुल कर लेते हैं अभी, सिलेक्ट द प्रेस पुल, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, और इसे प्रेस पुल कर लीजिए। इसे अगेन डाउनवर्ड साइड भी प्रेस पुल कर लीजिए, और इन दोनों को मिरर कर दीजिए। तो इसे अब हम मिरर कर देंगे, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर। एक्सिस किसके थ्रू मुझे मिरर करना है, हमारे पास आ रही है जेड और एक्स एक्सिस। सो जेड और एक्स एक्सिस हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, और ओरिजिन ही आ रहा हमारा। सो इसे हम सीधा ही ओके कर देंगे, तो हमारे पास ये मिरर हो जाएगा, और इसे अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट द मेन ऑब्जेक्ट एंटर, सिलेक्ट द सेकेंडरी ऑब्जेक्ट एंटर। तो इस तरह से आपका ये जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। सो जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है स्केचेस उनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपके पास ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम मटेरियल दे देते हैं, और उसके बाद उसे असेंबल कर लेंगे, देन उसके बाद आप रेंडर भी निकाल सकते हैं। तो मटेरियल क्या आएगा मेरे पास, मेटल का होता है। सो मेटल में भी हम क्या करेंगे, स्टील को पिक करेंगे। सो सबसे लास्ट में जो लेंगे स्टील हमारे पास आ रहा है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये अभी हमारे पास अलग आ रहा है, ये पार्ट अलग आ रहा है, ये पार्ट अलग आ रहा है। सो हमें क्या करना है, इसे कंट्रोल जेड करने के बाद यूनियन करना है। सो इसे हम क्या करते हैं, अभी यूनियन कर लेते हैं, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट एंटर। तो यहाँ पे मैंने बाद में यूनियन किया, आप इसे पहले यूनियन करने के बाद मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके बाद अब मैं मटेरियल अप्लाई करूंगा, तो इस तरह से देखिए आप, ये पूरी बॉडी में मटेरियल अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इसे बना सकते हैं, देन हम इसे अब कॉपी करने के बाद पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। सो ये प्लेन हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और इसे एक्स वाई प्लेन पे फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे इसे। ये देखिए मैंने इस रोड को भी पिक कर लिया, और गो टू द 2D वायर फ्रेम, और इसे मूव कर लीजिए।
select the object, enter, pick the endpoint of this object and pick the endpoint of this object also. So यहाँ से आप endpoint pick करोगे तो इस तरह से आपकी ये assembly जो है वो complete हो जाएगी. और इसे हम shaded view में check कर लेते हैं या realistic view में check कर लेते हैं तो इस तरह से आपके पास ये जो स्क्रू ड्राइवर है कंप्लीट हो जाएगा. फ्रेंड्स इसका आप रेंडर भी निकाल सकते हैं, काफी अच्छे रेंडर्स निकल जाएंगे इसके. तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं. ओके, सो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से स्क्रू ड्राइवर बनाते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्रॉस स्लॉट स्क्रू ड्राइवर किस तरह से बनाते हैं, जिसे हम स्टार स्क्रू ड्राइवर भी बोल देते हैं या फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं. ओके, सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. तो फ्रेंड्स इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.